शर्म नहीं आई भाई? आप किसके पेपर में दर्ज कीजिए? क्या आपके पास सरकार की अनुमति है? मामला इतना शर्मनाक है कि हमें बयां भी नहीं कर सकते। सोनीपत, नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम, और एनडी छोरा गौतम देखने वाले भी सभी दर्शकों मेरा राम राम, और जनशक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा राम राम। अपना कौन सा जी? जन संवाद भारत देखने वाले भी सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। हम फिलहाल खड़े हैं पानीपत के 8 मरला कॉलोनी के अंदर में। यहाँ बड़ी दुखद तस्वीर है ये बहन जी हमारे पास में है। आज टाइटल में आप लोगों को देखा होगा, वही झूठ नहीं है, बिल्कुल जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको देंगे कि यहाँ से जाए उस आदमी को कितना समय हो गया था, कहाँ रह रहा था, इनके बच्चे कितने हैं, और जो दूसरी महिला है उनके बच्चे कितने हैं, कितने समय से दूर रह रहे हैं। दो चार बातें बहन जी से लेंगे और आपके सामने रखेंगे। बहन जी नमस्कार आपको जी। जी मैं 2 साल से थी उनके साथ, मेरा आना जाना था, मतलब मैं दिहाड़ी मजदूरी करती थी, टाइम मिल जाती तो चली मतलब जाती थी। एक्सपायर हुए हैं पति है ना आपके? ये नहीं, दूसरे पति थे, मेरे पति तो इनके थे, असली घर वाली उनकी है। ये दो एक्सपायर हुए हैं, आप इनके साथ लिविंग में थी? हाँ जी, पहले से विधवा थी। आप विधवा? आपके कितने बच्चे बहन जी? 4 है। बच्चे कितने बड़े हो गए बहन जी आपके? बच्चे एक मेरा लड़का 20 साल का, और बाकी सारे छोटे, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, ऐसे। मतलब ये लिविंग में रहे थे या लिविंग सर्टिफिकेट बनवा रखे थे आपने? मतलब ऐसे आना जाना था, वो कोई नहीं मतलब था, खुले, मतलब खुले, देखो बहन जी एक आदमी जान गई है और हाँ, लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, और मतलब कुल मिला के लिविंग सर्टिफिकेट नहीं बनवा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में रह रहे थे आप लोग? हाँ ऐसे, मतलब सबको पता था कि ये आती जाती है। आपके बच्चों को पता थी बात का? हाँ जी। आपका 20 साल का बेटा हो रहा है बहन जी, आपने सोचा नहीं कुछ ये सही है गलत है? बस जी ऐसे, मतलब टाइम पास के लिए मेरा आना जाना था, थोड़ा टाइम पास। मतलब इसको टाइम पास माने या जरूरत माने या मजबूरी माने, क्या बताएंगे आप लोग? मजबूरी समझ लो जी, मैं तो पहले से विधवा थी, पहले से विधवा थी मैं, जो मेरी मजबूरी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो आप। क्या उसके बच्चों को पता था वो आपके पास रहते? हाँ जी, हाँ जी। अभी दाह संस्कार हो लिया उनका? सिबल में लवारिस में है वो। लवारिस में है? हाँ। कई साल से इकट्ठे रह रहे आप लोग? मैं तो 2 साल से थी जी उनके साथ। और उनके बच्चे कितने हैं? 2 है। क्या नाम था भाई साहब? जो एक्सपायर हो गए बच्चे पर दो, उनका नाम भूरा है। बताओ पर कर लो। भूरा, भूरा, भूरा नाम उनका। हाँ, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो? उनको बच्चों को पता है जी, इतनी तो मेरे को पता नहीं। आप 2 साल से बहन जी लिविंग में रह रहे हो, और आपने पता नहीं कौन से गांव से है वो? नहीं जी, इतनी वो नहीं है, उनके गांव को पता नहीं है। आप यूपी के आगे का है वो? अच्छा अच्छा उसकी फैमिली यही रहती है? हाँ, ये अंदर लड़का तो उनका बंद करके गया दरवाजा। ये उनका बेटा है? हाँ, उनका बेटा। और आप उनके साथ लिविंग में रहती है? हाँ जी। तो नहीं, 2 साल से रह रहे हैं हम। एक और चीज है, क्या इनके जो भूरे के बच्चों ने पता है और आपके बच्चों ने पता है, आज उस लिविंग पार्टनर की आपके की मौत हो गई है? हाँ जी। कैसे मरा वो? पेट में दर्द थी जी, वो काम पे गए थे, सारा दिन काम करे, शाम को फोन करे मेरे पास, बोले कि मेरे ना पेट में दर्द हो रही है, टीका भी लगवा के आए उधर से, टीका उका लगवा के आए, बोले कि मेरे पास पेट में दर्द है। फिर रात को मैं 11 बजे सिबल में लेके गई हूँ। हाँ, सिबल में जाके टीका उका लगवा के आराम आ गया, फिर चली आई हूँ। हाँ, फिर 4 बजे दर्द शुरू हो गई है भाई, रुक जाओ यार। 4 बजे लेके गई हूँ, फिर 4 बजे भी, हाँ 4 बजे भी टीका लगवा के लेके आई हूँ, मतलब 2-3 दिन लगातार सिबल में मैं दौड़ी हूँ। जी जी। हाँ, आराम नहीं। कल सुबह भी फिर गई हूँ, बोले फोन करे कि रोहतक लेके जाना है, आ जाओ। फिर मैं रोहतक के लिए पर्ची बनवा रही थी, कुर्सी पे बैठाई हूँ, ऐसे परान निकल गया। ये बातें बता रही बहन जी, आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है? नहीं जी, नहीं, सच्चाई बता रहे हैं आप लोग? सच्चाई है जी, मैं किसी के दबाव में नहीं। इसमें झूठ और साथ और सही गलत के जिम्मेदार आप ही हैं? कुछ नहीं गलत, मैं किसी का दबाव नहीं जी, अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। जो दाह संस्कार नहीं हो पा रहा अभी, क्या उसके बच्चे लेने से मना कर रहे हैं अभी? हाँ, मना कर दिए थे, कल लाश लेके आई हुई बिल्ली, उसमें यहाँ मना कर दिया कि हमारे से कोई मतलब। अभी यहाँ क्या मान गया आप लोग यहाँ पे? अभी यहाँ ये घर आपका है या उस भूरे का है? भूरे के बच्चे रहते हैं, भूरे के बच्चे रहते हैं। आप यहाँ क्या करने आई? मेरा तो आना जाना जी, इसी गली में मेरा घर है। आप लोग कहाँ रहती है? ये रहा मेरा घर, पीछे है। आपका घर भी यही है पास में, और भूरे का भी यही है? हाँ जी, वो किराए पर आते हैं, मेरा खुद का मकान है। आपके बच्चों,
आपके बच्चों का भी सबको पता था ये? हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ हमारे। जी जी, क्या ये चीज आपने सही मानी गलत मानी बहन जी? अब जो होना था जी हो गया, अब तो चाहे सही मानो चाहे गलत मानो। आज आपका इतना दुख बच्चों ने है, लेकिन ये नहीं पता कि आपके कारण है ये बच्चे नाराज हैं और शौले ने मना कर दिया। सर देखो, जी जी, जैसे आप मेरे पापा का ना इसके पास वो था। एक मिनट, आप क्या लगते हैं, बुरे बेटे? मैं उसका बेटा हूँ। बेटा, क्या आप जो आपके पिताजी आपके यहाँ से खोए गए हैं? खोए नहीं गए, दूर पता क्या चक्कर है इनका ना, ढाई साल से तीन साल से चक्कर चला है आपके पिताजी के साथ। हाँ, इनका जी जी, तो मतलब वो हमारे से दूर हो गए, घर से रहने लग गए। तो पता नहीं अब क्या करा क्या नहीं करा इन्होंने, वो खत्म हो गया। फिर आज दाह संस्कार, चलो जो होया, लेकिन उसकी मिट्टी का तो होना चाहिए ना, क्या बताएंगे आप लोग? दाह संस्कार यही करेंगे या लावारिस होएगा उनका? आपने मना कर दिया सब लेने को? नहीं, मना क्यों करा जी, करेंगे क्रिया क्रम उसका। आप ही करेंगे? हाँ जी। लेकिन ये तो कह रही है ना कि यहाँ लेके आए थे, आप लोगों ने मना कर दिया। नाश तो इसने कर रखा ना जी हमारा। जी जी, क्या बता रहे बहन जी? कल एम्बुलेंस में लेके लाई हूँ, लाश फोन करवाया हूँ वहाँ से अस्पताल से, ये बोले कि उधर ही चाहे जहाँ वो कर दो, हमारे कोई पता नहीं। आपने अपनी जरूरत में इनका बाप खो दिया घर से, आपको पछताना नहीं इस काम से? ऐसी बात नहीं है जी। क्यों? ऐसी बात नहीं। ये बिना बाप के अदब, इनके बाप का संस्कार नहीं हो लिया और आप लोग कर ऐसी बात नहीं, और कैसी बात होगी ये? जी मैंने फोन करवाया जी, जहाँ फोन करवाया आपको, चलो वहाँ से बात करवा देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कमरे पर आते हैं ऐसी बात, ये चेहरे बता रहे हैं, ये बाप खोया गया इनका, ऐसी बात नहीं है, ये चेहरे बता रहे हैं, इनका दुख बता रहा है। बाप बीमार हुए हैं, उनके कमरे पर चलो आपको वो सारे। इतनी नाराजगी क्यों हुई आपके मरे तो, ये आप बीच में बड़े इनके, ये सही है गलत है भाई जी? ये अगर बीच में नहीं आती तो आपके पिताजी आपके पास था ना? इसका जी बच्चा जब एक बार एक्सपायर हुआ था ना, वहां से मैं ठाक लाया था उसके बच्चे को, फिर भी इसने मेरे साथ इतना गलत करा, हमारे साथ कुछ होंगे। मम्मी क्या करती है आपकी? मम्मी बेचारी बूढ़ी है, क्या करेगी आपकी? एज कितनी होगी बेटे? होगी 27 साल जी। 27 साल, 27 साल के बच्चे उनके हो रहे हैं और आप लोग लिविंग बता रही हैं। आपके 4 बच्चे हैं ना? हाँ जी, 4 बच्चे अपने, 2 इनके, 6 बच्चे ठोकरों मिला दिया आपने। खुला ऐसे कहा, मतलब मैंने मना भी करा कई बार भाई ऐसे रहने दो, मगर खुला इसने कहा कि जो रुतबे होता ना कर ले, मैं तो ऐसे ही रखूंगी उसको। मतलब आपने इनको बोला भाई मेरे पिताजी दूर हो जाओ, और इन्हें बोला कि जो आपको होता हो कर लो। हाँ बस जी, कभी इसने मेरी माँ के साथ लड़ाई हुई इसके कई बार, अब ये ऐसे ही कहती रहेगी जी, अब कहने दो, हमारा तो चला गया। ये सारी बात ये नहीं करे, ये आप कबूल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में ना ये बच्चे ठुकरो मिला दिए, मर जाना था उसे तो। मेरे बात सुनो जी, मैंने एक बेटा यूँ कह रहा है मेरे पिताजी दूर हो जाओ, और आप कह रहे हो कि आप जो होता हो कर लो जी। अब तो बड़े ताकतवर हो गए। 1 रुपया नहीं खाया मैंने, अपने दौरे से लगाई हूँ, मैंने 1 रुपया कमाई नहीं खाया कभी भी। अरे बहन जी, ये रुपए की बात नहीं है, एक लोक लाज का कोई नुकसान नहीं होता है, एक लोक लाज का नुकसान कोई नहीं होता। इनसे पूछ लो कि इनसे दूर कितनी दिन से रह रहा था इनसे। आप फ्रेम धमकी दे रहे हैं, आप मुंह बके रहे हैं ये? नहीं जी नहीं। क्या बुराई में ताकत होती है क्या? धमकी नहीं, तो धमकी नहीं जी। आप 27 साल का बच्चा आपको कह रहे हैं मेरे पिताजी दूर हो जाओ, और आप कह रहे हैं मेरे आपसे जो नहीं, नहीं, मैं मेरे से कभी बात नहीं हुई जी, ऐसे बात कह नहीं सकती। ये बता रहे हैं माँ से झगड़ा हुआ है, इनसे भी हुआ है? नहीं कभी नहीं। आपके बच्चों की मदद कर रहे हैं और आप इनको बर्बाद कर रहे हो? झगड़ा नहीं हुई जी इनसे, मेरी कभी झगड़ा नहीं। ये तो आपके बच्चे मदद कर रहे हैं ना, चोट लगी वहाँ से उठा ले ऐसे ना? जब गुजर गया था, एक्सपायर हो गया था इसका बच्चा, बाइक के नीचे आ गया, जब मैं वहाँ से भी लेगा गोद में उठा गया, ठीक है जी। जब भी इसने ऐसे शर्म नहीं करी कि भाई चलो वो है ये है हमारे साथ। जब तो मेरा घर वाला जिंदा था जी, मौला के साथ था, जब तो मेरा घर वाला जिंदा था, जब मेरा लड़का मरा था, पूछ लो सारी दुनिया से पूछ लो, जब तो मेरा घर वाला जिंदा था वहाँ पे हमारे को छोड़ के इसके चक्कर में मारे रहा था, परली साइड लनो के पार। बहुत पहले से कमरा ले रखा था जी वो, पहले से नहीं, लेकिन इनके बर्बादिया कारण बन गए बहन जी आप लोग। 4 बच्चे अपने, 2 इनके ठोकरों मिला दिए, आपको पछतावा अपने काम से? पछतावा तो ही है जी, पछतावा नहीं रहा। पहले धमकी दे रहे थे, किसी को धमकी नहीं दिया जी, मैं किसी को धमकी नहीं बहन जी। वो तो कहने की कुछ भी काम है, आज मर गया तो कुछ भी कहेंगे, आप तो कहेंगे कुछ भी। चलो उसके सांस इतने ही थे, लेकिन बुराई का पत्र आप बन गए ना, बुरा ये पत्र बहन जी आज। क्या एक मिनट जी, सुनो भाई साहब, सुनो हम इनसे बोलेंगे, आपने कुछ बताना बताओ, आपने कुछ बोलना बताओ।
भाई मेरे ना फोटो खींचो बीमारी लाइन पार के लाइन पार ही ले जाओ वापस करो बात नहीं ये बोल रहे ना इनको मत रोको आपने कुछ बताना बताओ आपने कुछ बताना बताओ आप लोग इनको मत रोको आप लोग बदनाम भी है या और सुनो आपने बदनामी लग रही है इनका बाप से लगे है ये सुनो जो इनके पिताजी साथ ऐसा ही हुआ गलत हुआ वो हमने नहीं पता इनके बारे में तो आप रोको मत फिर इनको जी जी पीछे मतलब क्या मैंने बताओ बहन जी इधर हो कल बोले अस्पताल तो होया है और ना होने दिया है नहीं नहीं कल वहाँ अस्पताल में खुद ही बोलेंगे हम अपने आप यहाँ करवा देंगे सारा कागज वगज बस साइन हुआ है जी आपने सरयामीन का घर खो दिया बात खो दिया बहन जी आप लोग इस बात को मानो या ना मानो जी ऐसे इसलिए मैं ना लगाऊ मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करने चाहता लेकिन मैं कह रहे हैं आप लोग सर हम धमकी दे रहे हैं किसी को नहीं धमकी देती मैं किसी को धमकी देने वाली मैं किसी से फालतू बोलती नहीं जी मैं क्या मजबूरी आप किसी को उनकी बोलेगी जी मेरी मजबूरी समझ लो जी चाहे कुछ भी समझ लो मजबूरी बहन जी पैसे की तंगी थी या आपको हस्बैंड चाहिए था लिविंग पार्टनर चाहिए था आपको खुद समझना चाहिए जी इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ती ये देखिए आप लोग सही और गलत मतलब है कि बुराई में ताकत कितनी होती है ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं जिंदा दागदा उदाहरण है सही और गलत क्या है इसमें ये आप लोगों ने देखना है क्या लेवी में आना चार बच्चों को छोड़कर जबकि जवान बच्चे इनके भी हैं 27 साल का बेटा उनका भी हो रहा है क्या ये चीज सही थी आप लोग इसमें बुराई कितनी ऊपर जाती है कितनी वायरल होती है और कितने दुख बढ़ते हैं ये देखिए आप लोग ये महिला जिंदा जागता सबूत है और ये चेहरा ये फिर दिखाना चाहूंगा मैं बेबस चेहरा मैं भगवान किसी के साथ ना करे ऐसा किसी के साथ ना करे भगवान जो पिताजी सामने दाह संस्कार नहीं हो लिया हो और उसके पिताजी को दूर करने वाली महिला सामने खड़ी हो इनके बारे में सही और गलत क्या है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इसको जा शेयर भी करते रहना।